हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अनु सिंह, आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बोर्ड ने हमारे सिलेबस में जो चेंजेस किए हैं फिजिक्स के सिलेबस में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्जाम टर्म वाइज होना है और ये दो टर्म्स में इसको बांटा गया है। 50% सिलेबस आपका टर्म फर्स्ट में रहेगा और 50% सिलेबस आपका सेकेंड टर्म में रहेगा। ठीक है, जो टर्म फर्स्ट है वो MCQ टाइप होगा और टर्म फर्स्ट आपका 35 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स में आपको MCQ सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख रहे हैं, आपकी दो बुक्स हैं जो पार्ट वन और पार्ट टू की फॉर्म में हैं। ठीक है, तो जो पार्ट वन है उसमें चैप्टर नंबर 7 तक है, तो चैप्टर नंबर 7 तक यहाँ पर टर्म फर्स्ट में रखा गया है और आपका चैप्टर नंबर 7 से फिर आगे के जो चैप्टर्स हैं यानी अप टू 14 वो आपका टर्म सेकंड में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यूनिट फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें दो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, देन आपकी जो थर्ड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज है फर्स्ट दोनों यूनिट। ठीक, नेक्स्ट यूनिट है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म, दो चैप्टर हैं इसमें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देन है आपका यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में आपके दो चैप्टर्स हैं, इसका नाम है यूनिट फोर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। इसमें दो चैप्टर्स आपका EMI और AC। ठीक है, EMI एंड AC ये दो चैप्टर्स हैं। तो ये आपकी फर्स्ट बुक है, आप एक तरह से समझ लीजिए आपकी है फर्स्ट बुक। अभी डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसे डिस्कस करने पहले से पहले मैं आपको कुछ चीजें और समझा दूं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा जो एग्जाम है वो दो टर्म्स में होना है। ठीक है, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड। ठीक, अब यहां पर जो टर्म फर्स्ट है इसमें अगर थ्योरी की बात करते हैं बच्चों, तो थ्योरी आपका 35 मार्क्स का होगा, थ्योरी आपका 35 मार्क्स का। टर्म सेकंड में भी 35 मार्क्स की थ्योरी आपकी होगी। क्लियर है? यहां पर हम बात करते हैं अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो जो प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क्स का होगा, सेम ईयर 15 मार्क्स। ये आपका जो प्रैक्टिकल है जो टर्म फर्स्ट का है स्कूल में होगा, ये जो टर्म सेकंड वाला ये भी स्कूल में होगा। अंतर क्या है सर इसमें? अंतर ये है कि ये आपका इंटरनल एग्जामिनर ही इसको कराएगा, जो आपका इंटरनल टीचर है फिजिक्स के वही कराएंगे इसको। ठीक है, इनका डिवीजन किस तरह से है वो डिवीजन में मैं समझाता हूं। और ये वाला जो आपका टर्म सेकंड का प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का, यहां पर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों टीचर्स होंगे। ठीक है, इंटरनल भी होगा इसमें और एक्सटर्नल भी। ठीक है, इतना अंतर है। तो बोर्ड की तरफ से एक टीचर अपॉइंट होके आते हैं, जिस तरह से आपका एग्जाम लेते हैं हर साल इस तरह से ही होता है, तो वो आएंगे और आपका एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा अगर कंडीशंस कंडक्टिव रहती हैं तो, अगर कंडीशंस कंडक्टिव नहीं रहती तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, सिलेबस में भी कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां मैं प्रैक्टिकल्स की बात करता हूं, प्रैक्टिकल्स का मार्क्स का डिवीजन और आपको समझा देता हूं। तो प्रैक्टिकल्स का मार्क्स का डिवीजन किस तरह से है, आपके दो एक्सपेरिमेंट्स आपको लिखने होंगे, ईच सेक्शन से एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वन ये आपका सेक्शन ए से हो गया, एक्सपेरिमेंट नंबर टू ये आपका सेक्शन बी से हो गया। ये दो एक्सपेरिमेंट आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं जो बोर्ड की तरफ से आंसर शीट आपको दी जाएगी। ठीक है, फोर मार्क्स इसके, फोर मार्क्स इसके, तो टोटल मार्क्स इसके हो जाते हैं एट, एट मार्क्स इसके हो गए। अब आपकी जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, लैब मैनुअल आपकी टू मार्क्स की है। ठीक है, अब और जो आपका वाइवा होगा वो वाइवा आपका 5 मार्क्स का है, तो इस तरह से टोटल हो जाते हैं 15। ये एक टर्म के हो गए और ऐसे ही सेम दूसरे टर्म के हो जाएंगे 8, 2 और 5, तो इस तरह से 15 हो जाएंगे टोटल आपके, इन दोनों को एड कर देंगे तो 30 मार्क्स आपके हो जाते हैं प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं, ये तो 15, 15, 30 इस तरह से हो गए। आपकी जो थ्योरी है टर्म फर्स्ट में थ्योरी 35 मैंने बताया आपको, और जो टर्म सेकंड है उसमें भी थ्योरी आपकी 35 मार्क्स की, तो इस तरह से आपका ये 70 मार्क्स हो गए। अब 70 प्लस ये वाले 30,
इनको आप ऐड करेंगे तो इस तरह से 100 मार्क्स में से आपका इवेल्यूएशन होगा। और अभी मैंने आपको समझाया कि जो आपका टर्म फर्स्ट है वो एमसीक्यू होगा, 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। अब एमसीक्यू पेपर को करने के लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए अपनी, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे हम डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि डिटेल्ड सिलेबस किस तरह से हमें दिया गया है। तो यहां पर देखिए, जो जैसा कि आपका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, में दो चैप्टर हैं आपके, और चैप्टर वन है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो यहां आप टॉपिक्स देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको डाउनलोड कर लेना इस फाइल को, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये इस तरह से ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। देन देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। देन इसके बाद आप देख सकते हो करंट लैक्सिटी को। तो करंट लैक्सिटी में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लगभग सिलेबस आपका वही है, हल्का फुल्का इन्होंने कट कर दिया है। जो 70% रिड्यूस सिलेबस था लास्ट ईयर का, उसी तरह से आपका सिलेबस है ये, ठीक है। जो यूनिट थर्ड है आपकी वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसमें से कुछ टॉपिक्स को कट कर दिया गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया। देन है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो इसमें आप दो पोर्शन में आप इसको पढ़ोगे, इस चैप्टर को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर को, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हालांकि इसमें भी बहुत मतलब टॉपिक्स को कट डाउन कर दिया गया, आपका सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ईएमआई का चैप्टर भी बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, केवल मुश्किल से मुश्किल दो लेक्चर्स में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद है एसी, तो एसी में से भी बहुत सारा कट कर दिया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपका सिलेबस को अकॉर्डिंग टू जो रिड्यूस सिलेबस था लास्ट ईयर का 70%, उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो प्रैक्टिकल्स हैं टर्म फर्स्ट के, उनके लिए सिलेबस देखिए किस तरह से है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखिए, यहाँ पे विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल साफ दिया हुआ है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ सीबीएसई, जैसा सीबीएसई डायरेक्ट करेगा। द रिकॉर्ड to be submitted by the student at the time of first term examination has to include a record of at least 4 experiment. आपकी जो lab manual है उसमें कम से कम 4 experiment का record होगा और 3 activities का record होगा, जो कि activity आपके teacher के द्वारा demonstrate की जाएंगी, पर लेकिन लिखनी आपको उसमें है lab manual में। तो ये जो कि मैं आपको समझा रहा था 2 experiment 8 marks के हो गए, practical record आपका जो lab manual है उस lab manual में ये आपको बता दिया क्या क्या होगा, उसमें 4 प्रैक्टिकल्स होंगे और 3 एक्टिविटीज होंगी, ये आपके 2 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे आपको। और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज, ये 5 मार्क्स आपके। तो इस तरह से टोटल टर्म फर्स्ट का जो एक्सपेरिमेंट यानी जो प्रैक्टिकल है वो 15 मार्क्स का हो जाता है। इस तरह से जो टर्म फर्स्ट के लिए एक्सपेरिमेंट्स असाइन किए गए उनकी लिस्ट यहाँ पे है। टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, ओम्स लॉ का है आपका। टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज का हो गया आपका। देन कॉम्बिनेशन का आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये मीटर ब्रिज का ही पार्ट है, ये दोनों जो है ये दोनों ही मीटर ब्रिज का पार्ट है। देन उसके बाद आप जो है एक पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ईएमएफ को कंपेयर करेंगे दो प्राइमरी सेल्स का, एक लैक्लांस सेल आपके पास होगा, एक वोल्टेक सेल आपके पास होगा, उनके आपको ईएमएफ को कंपेयर करना है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो दो एक्सपेरिमेंट आपके ये हैं, पर लेकिन है ये एक ही, ऐसे ही ये एक है आपका और ये ओम्स लॉ वाला एक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट आपके इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक है, ये एक है, ये एक है, इस तरह से ध्यान रखना है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, अब ये गैल्वेनोमीटर वाले हैं तो गैल्वेनोमीटर वाला एक है। और एक और चीज बच्चों ध्यान रखनी है आपको कि आपके ये वाले जो जो प्रैक्टिकल्स हैं यहां तक नंबर 3 तक जो है 1, 2, 3 ये आपके चैप्टर 3 से है करंट लैक्सिटी से, और ये 4th वाला ये चैप्टर 4 से है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मूव्स विद ए सोनोमीटर की हेल्प से आपको करना है। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड अपनी लैब मैनुअल में रखना है और एक्टिविटीज यहाँ पे आपको असाइंड कर रखी हैं ये टर्म फर्स्ट के लिए, तो इसमें से एटलीस्ट 3 एक्टिविटीज का रिकॉर्ड आपकी लैब मैनुअल में होना चाहिए, कोई से भी 3 एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये सिलेबस असाइन फॉर टर्म सेकंड, टर्म सेकंड आपका आ जाता है ईएम वेव से आ जाता है, फिर ऑप्टिक्स है, फिर ड्यूअल नेचर है, और फिर एटम्स न्यूक्लियर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है। तो फिर इसका भी आपको ये जो देखो केवल 2 पीरियड्स का चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका, ठीक, इसको ऐसे ही हम खत्म कर सकते हैं। जी एक्स यू वी
IMR, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा, यहाँ पे गामा रेज, यहाँ पे एक्सरेज, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे आपका जो है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स। तो ये चैप्टर आपका बहुत सिंपल चैप्टर है, ये आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद में फिर आपको क्या पढ़ना है, इसमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, दैट मीन्स इनकी वेवलेंथ क्या होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, केवल दो पीरियड्स का है। देन उसके बाद आपका ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स में भी बहुत सी चीजों को यहाँ पे कट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस किया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर इसी का TIR का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, तो फिर लेंसेज, थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये आपको पढ़ना है। देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको देखिए माइक्रोस्कोप पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप, दोनों पढ़ने हैं आपको, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स आपको पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से एक माइक्रोस्कोप्स आपको, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों पढ़ने हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर चैप्टर 10 आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में आपको वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय वेव थ्योरी, ठीक है, उस तरह से आपको पढ़ना है। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस आपको पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना YDSE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। फिर ड्यूअल नेचर आपका आ जाता है, ड्यूअल नेचर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, हर्ट्ज और लेनार्ड्स का ऑब्जर्वेशंस क्या थे, आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हमें पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उसके बाद मैटर वेव्स, नेचर वेव्स, डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एच अपॉन एमबी, ये आपको रिलेशन निकालना है। देन उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें दो चैप्टर्स हैं आपका, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये बहुत सिंपल चैप्टर्स और बहुत ही छोटे कर दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इनका सिलेबस बहुत रिड्यूस है, पहले से ही ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। यहाँ पर देखिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये चैप्टर भी पूरी तरह से किल कर दिया गया है, इसको किल कर दिया गया है, चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो एनर्जी बैंड्स आपको पढ़ने, कंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स आपको पढ़ने हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपको इन पढ़नी है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका प्रैक्टिकल्स का सिलेबस आपको दे रखा है, जो एवेल्यूशन स्कीम है, ये पूरी स्कीम मैंने आपको समझाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसकी एक कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए cbse.nic.in से। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका वो 1.5 आवर का होगा, ये चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।